गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम नाश्ता में बना रहे हैं कावली छोला। कावली छोला रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आज हम बना रहे हैं। बहुत दिन नहीं बनाए, आज बना रहे हैं। तो उसके लिए हम पहले कढ़ाई गरम कर लिए और एक तो प्याज काट के डाल दिए और उसमें तो बड़ा इलायची दे दिए, देखिए, और दो तीन तो आमची दे दिए। जो आम को सूखा के रखे वो आमची दे दिए। और इधर हम कूट लिए मसाला, देखिए प्याज नहीं दिए इसमें, प्याज तो तेल में ही दे दिए थे। लहसुन दिए, अदरक दिए और मिर्चा दिए और एक तो टमाटो भी काट लिए और दो दो आलू भी सीझा लिए काली छोला के साथ। इतना अच्छा सीझ गया है ना। अभी ये मेरा ब्राउन हो चुका है तो कूटा जो मसाला तो कूटे हैं ना वो वाला डाल दें। कूटा हुआ मसाला से सब्जी बने मेरा तो बहुत टेस्टी बनता है। पीस के मतलब मिक्सी में पीस के जितने टेस्टी नहीं बने उससे ज़्यादा अच्छा बनता है। हम ज़्यादा कूटते ही बनाते हैं। अब मैं इसको भी स्कूल चली गई है। चावल बन रहा है, फ्राई कर लेंगे। हल्दी नमक दे के टमाटो तो भी डाल लेंगे। टमाटो फ्राई हो जाएगा, नमक दे देंगे तो नरम हो जाएगा। नमक हल्दी दे के मसाले पूरा भून लेंगे और इसमें आलू सब डाल देंगे। तो आलू सब डाल देने के बाद में आलू सब टुकड़ा हो जाएगा और आलू से लगे भी जाते हैं ना उसमें डाल देंगे। ये काबली छोला के साथ गरम गरम रोटी और प्याज। मैंने काबली छोला बन गया है, इतना अच्छा कलर आया है ना। थोड़ा सा हम गोल गोल क्यों बनाए पता है, मतलब थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा हम रहते हैं क्योंकि आप दाल नहीं बनाएंगे रोज़ रोज़ ज़्यादा खा खा के बोर होंगे, तो इसलिए लंच में थोड़ा सा इसको ही ले लेंगे चावल के ऊपर, इसलिए थोड़ा सा जोर जोर बनाए। इतना अच्छा कलर है ना। ओके फ्रेंड्स, बाय।